हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। थ्री रॉड्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट डिफरेंट लेंथ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर आर जॉइंड एज शोन। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज। सो बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिखाई हुई हैं तीन रॉड्स, तो इनको हम मान लेते हैं रॉड नंबर वन, लेट दिस बी रॉड नंबर टू एंड दिस बी रॉड नंबर थ्री। अब मान लेते हैं कि रॉड नंबर वन, बिकॉज इसके एक एंड का टेम्परेचर हाई है, हम देख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस से, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस से हायर है। तो यहाँ से मान लेंगे कि हीट एंटर करेगी और ये दोनों रॉड्स में ये जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बच्चों, हम हीट रॉड वन में मान लेते हैं H1, रॉड टू में H2 एंड रॉड थ्री में मान लेते हैं H3। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें मिल जाएगा H1 इक्वल्स टू H2 प्लस H3। अब हमें फाइंड करना है इस जंक्शन का टेम्परेचर। तो इसके लिए पहले तो हम हीट फ्लोन का फॉर्मूला लेंगे, Q इज इक्वल टू KA मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन टू फ्लो द हीट। अब तीनों रॉड सेम मटेरियल की, इट मीन्स इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो सेम होगा, तीनों का एरिया सेम है, बट इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो इट मीन्स हम यहाँ क्या मान लेंगे कि जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है डी थीटा, वो तीनों रॉड्स में अलग अलग होने के कारण हम टेम्परेचर एट द जंक्शन मान लेते हैं थीटा। सो बच्चों, H1 यानी कि हीट फ्लोन थ्रू द फर्स्ट रॉड, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले तो आ जाएगा हीट फ्लोन थ्रू द फर्स्ट रॉड KA मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस में आ जाएगा 30 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ। इसकी लेंथ गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। देन दिस इज इक्वल्स टू KA। सेकेंड रॉड में जो हीट फ्लो हो रही है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है हमारे पास थीटा माइनस 20, देन मल्टीप्लाइड बाय टी, और इस रॉड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर प्लस। जो थर्ड रॉड है, ये वाली जो रॉड है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास थीटा माइनस 10। सो दिस विल बी KA विद इन ब्रैकेट थीटा माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों, हम दोनों तरफ से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, लाइक KAT KAT पूरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा और हमें फिर मिल जाएगा 10 से कैंसिलेशन करके 30 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस थीटा माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1। अब हम राइट हैंड साइड का LCM ले लेंगे, तो दिस इज 2, तो न्यूमरेटर में मिलेगा थीटा माइनस 20 प्लस 2 थीटा माइनस 20 एंड लेफ्ट हैंड साइड में 30 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 3। अब हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा 2 विद इन ब्रैकेट 30 माइनस थीटा इक्वल्स टू राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और विद इन ब्रैकेट है 3 थीटा माइनस 40। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेंगे, 60 माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू 9 थीटा माइनस 120। सो बच्चों, यहाँ से हमें मिल जाएगा 60 प्लस 120 मिल जाएगा 180 और थीटा के टर्म्स में मिल जाएगा 11 थीटा। सो हमें थीटा इक्वल्स टू मिलेगा 180 डिवाइडेड बाय 11। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16.4 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।